31 जुलाई को दिल्ली में हुई कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह को जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। राजधानी दिल्ली में शनिवार को हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई। कार्यकारिणी की इस बैठक में पार्टी के सभी सांसद और करीब 2 दर्जन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। जेडीयू के अध्यक्ष पद की रेस में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा था। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का शिष्य माना जाता है। मौजूदा समय में ललन सिंह बिहार के मुंगेर लोकसभा सीट से जदयू के सांसद हैं। ऐसा माना जाता है कि ललन सिंह नीतीश कुमार के संपर्क में साल 1970 के दशक में आए थे। ललन सिंह की पार्टी में अहमियत इसलिए भी है क्योंकि ललन सिंह का नाम उन लोगों में शामिल है जिनके साथ मिलकर नीतीश कुमार ने जेडीयू पार्टी की नींव रखी थी। लालू के खिलाफ और शरद यादव की नाराजगी मोल लेते हुए नीतीश कुमार ने जब अलग पार्टी बनाने की ठानी तो ललन सिंह नीतीश कुमार के हर कदम पर उनके साथ थे। हालांकि बीच में कुछ सालों के लिए दोनों के बीच मनमुटाव भी हुआ, लेकिन ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। ललन सिंह ने नीतीश कुमार के लिए कई बार संकट मोचन की भूमिका निभाई है। सियासी गलियारों में ऐसा भी कहा जाता है कि लोजपा के पशुपति कुमार पारस से ललन सिंह ने ही चर्चा की थी, जिसके बाद पार्टी में बगावत के बीच फूटे थे। कई मौकों पर ललन सिंह नीतीश कुमार को मजबूती दे चुके हैं। 24 जनवरी 1955 को उनका जन्म हुआ था। भूमिहार जाति से वो आते हैं। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्हें राज्यपाल कोटा से बिहार विधान परिषद में भेजा गया था। वहीं जीतन राम मांझी के कैबिनेट में सड़क निर्माण विभाग का जिम्मा उन्हें सौंपा गया था। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।